अब जो हमारे सेशंस चल रहे हैं वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज थ्री फर्स्टली वी विल टेक प्रो नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज देन वी विल डू अ चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आफ्टर दैट प्रो नोट एंड चेक ताकि आप तीनों ही डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ये देख सको कि वट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री right students so with this we have already done the difference between pro note and bill of exchange and the students who have not watched that session you can go on the top you can see the link firstly watch this and now here i'm going to discuss with you difference between check and bill of exchange so before starting the difference dear students, up eight bar jagger लास्ट प्रीवियस सेशंस में बिल ऑफ एक्सचेंज की भी मेरी इंट्रो वाला सेशन देख कर जिसमें मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिटेल में आपको समझाया है अलोंग विद एग्जाम्पल एंड असेंशियल्स ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो गिव यू अ डिटेल डिस्कशन एंड द सेशन वी विच वी डन इज अबाउट चेक ऑल्सो चेक का जो सेशन है उसको भी आप एक बार देखिए ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक सो चेक में मैंने आपको अगेन इन डिटेल विद एग्जाम्पल समझाया था कि वट दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल अबाउट हाउ इट इज प्रिपेयर हु आर द पार्टीज इन दैट एंड वट आर दसेंशल्स ऑफ चेक तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को जब आप एक बार ब्रीफली समझ कर आएंगे तब आपको ये डिफरेंस और अच्छे से क्लियर होगा यहां पर भी मैं आपको अलॉन्ग विद एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ बट वंस इफ यू क्लियर इन योर माइंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स देन द डिफरेंस जब आप समझेंगे इट विल बी मोर इजियर फॉर यू सो हेयर डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड अगर आपको किसी पर्सन ने चेक दिया है ये लो आपकी पेमेंट मैं थ्रू चेक कर रहा हूँ और सपोज करिए आप बैंक में जाते ही नहीं है पेमेंट निकलवाने चेक को प्रेजेंट करने तो भैया जेब में डाले रहो उस चेक का कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू मेक अ डिमांड बाय गोइंग इन द पर्टिकुलर बैंक एंड दैट कुड बी मेड पेएबल टू बियर आर ऑल्सो डिमांड आप करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी या जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होता है वो भी जाकर पैसा ले सकता है जिसके पास चेक है वो भी पेमेंट कलेक्ट कर सकता है बिल ऑफ़ एक्सचेंज में और मे नॉट बी पेएबल ऑन डिमांड जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ज़रूरी नहीं है उसमें हमेशा डिमांड ही करनी पड़ेगी तभी आपको पेमेंट मिलेगी नो द अदर पार्टी जिसको पेमेंट करनी है कई बार दे ऑल्सो ऑन द टाइम दे आर रेडी टू पे देयर अमाउंट कई बार टाइम से पहले भी वो पेमेंट करने के लिए रेडी हैं तो डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी पार्टीज हैं एंड ऑन द पर्सनल ओट सम पीपल आर सो You can say good in the business that they don't want to create any hustlement So that's why on the time they pay their amount. jo bhi unki banti hai time ho gaya hai payment ka wo apni payment kar jate hain and cannot be made payable to bearer. इसमें ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास bill of exchange है उसी कोई amount देनी है no name जो mention है उसको payment कर दी जाती है. All right the next difference is the drawee in case of check is always the bank. Bank होता है drawee. कैसे अब आप चेक का एग्जाम्पल समझेंगे तो क्या था सपोज करिए ए ने क्रेडिट पर सामान दिया है बी को बी ए को कहता है देखो मैं आपको कैश में तो पेमेंट कर नहीं सकता चेक दे देता हूँ ये चेक है और वो चेक में लिख देता है पेमेंट टू ए ये ये अमाउंट करनी है और जिसमें उसका अकाउंट नंबर है सपोज कीजिए उसका अकाउंट है एस बैंक में तो उसने चेक दे दिया अब यहाँ पर जिसने चेक बनाया वो कौन था ड्रॉयर बी जिसने पेमेंट करनी है और जिसके नाम पर वो पेमेंट दी गई है या जिससे वो पैसा निकाला जाएगा जो पैसा देगा वो कौन है भैया यहाँ पर बैंक एस बी आई एस बी आई पैसा देगा इसलिए एस बी आई यहाँ पर है ड्रॉई जिसके नाम पर डॉक्यूमेंट को ड्रॉ किया गया है बनाया गया है और जिसको पैसा मिलना है सपोज ए को वो डॉक्यूमेंट दे दिया गया चेक दे दिया गया चेक को ले जाकर जब वो एस बी आई बैंक में दिखाता है एस बी आई उसे पे कर देगा तो ए यहाँ पर कौन हुआ पे राइट स्टूडेंट्स पे ई ड्राॅर ड्रॉई तो यहाँ पर क्या है ड्रॉई इन केस ऑफ चेक हमेशा बैंक होता है लेकिन अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज में देखें ड्रॉई कुड बी एनी पर्सन ड्रॉई कोई भी पर्सन हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि जिसने सपोज कीजिए इसमें भी एग्जाम्पल वही था ए ने क्रेडिट पर सामान दिया है बी को बट ए श्योरिटी चाह रहा है कि बी उसको टाइम पर पे कर दे तो ए बिल ड्रॉ करता है और बिल एक बी के पास होता है साइन करने के बाद और एक वो ए अपने पास रखता है टाइम आने पे अगर बी क्या करेगा बी प्रेजेंट है तो बी पे कर देगा नहीं बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी पे कर सकता है ए को तो बस पेमेंट चाहिए तो यहाँ पर इट कुड बी एनी पर्सन ऑल राइट स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज देर इज़ नो सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ चेक एज इट ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को आप चेक दे रहे हो वो अपनी एक्सेप्टेंस भी दें नहीं अगर यहीं एग्जाम्पल हैं ए ने क्रेडिट पर सामान दिया था और बी उसको चेक दे कर दे रहा है तो ये नहीं होगा कि ए भी उस चेक को एक्सेप्ट करे उस पर साइन करें नो बी की एक्सेप्टेंस इज़ वैलिड ए को तो भैया पैसा चाहिए वो क्यों अक्सेप्टेंस देगा जरूरी नहीं है सो देर इज नो सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ चेक एज इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड डिमांड पर दिया जाता है सर्टेन प्रोविजन लाइक प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करना फिर उस बिल को ड्रॉ करना ये सब चीजें बिल ऑफ एक्सचेंज में है जो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी एक्सेप्टेंस के बिना बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मस्ट फॉर द अदर पार्टी यहाँ पर अगर बी उस जो ए ने बिल बनाया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो बिल इज ऑफ नो वैल्यू ऑल राइट द नेक्स्ट इज चेक्स मे बी क्रॉस्ड क्रॉस्ड चेक होते हैं ना रिस्क से बचने के लिए या फ्रॉड या फॉर्जरी से बचने के लिए चेक को ऐसे डबल लाइन से क्रॉस कर दिया जाता है जिसका मतलब ये है कि ये जो चेक है इट मस्ट बी पेएबल बाय क्लियरिंग हाउस ओनली मतलब ये बैंक में ही पेमेंट देगा ये चेक का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर पर्सन सपोज ए बैंक में गया चेक को लेकर जो उसको बी ने दिया था तो यहाँ पर जो बैंक है वो डायरेक्ट ए को कैश नहीं देगा वो कहेगा ए को कि आप अपने बैंक में जाइए जिसमें आपका अकाउंट है वो बैंक सपोज पी है पी हमें जब ये चेक प्रेजेंट करेगा हम तब पेमेंट करेंगे आप नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रॉस्ड है ए जाएगा पीएनबी के पास पीएनबी उस चेक को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर पीएनबी कौन हुआ कलेक्टिंग बैंक तो क्रॉस्ड का मतलब होता है कि पेमेंट कलेक्टिंग बैंक को मिलेगी पर्सन को नहीं मिलती है राइट स्टूडेंट्स आई होप आपको इस समझ में आया है डिफरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है देयर इज़ नो नीड टू बी क्रॉस्ड बिल ऑफ़ एक्सचेंज कभी क्रॉस्ड नहीं होता उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बैंक में ही पेमेंट जानी है नो no. payment could be in the cash in hand or through whatever the means is but it is never crossed all right next difference is statutory protection is given to the drawee banker with regard to the payment of checks in certain circumstances hamare जो लॉज uh, हैं उनमें कुछ स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ये दी गई हैं किसको ड्रॉई को बैंकर को जो बैंक है उनको कुछ प्रोटेक्शंस दी गई हैं इन द चेक कि जो उनके लिए स्पेशली वैलिड है और वो इनको uh, मतलब फॉलो कर सकते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए बट अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्टूडेंट्स देयर इज़ नो सच प्रोटेक्शन मेड अवेलेबल टू द ड्रॉई या सेप्टर दिस इज़ जस्ट अ कॉमन नीड और ऐसा होता है यहाँ कोई स्टेच्यूटरी प्रोटेक्शन्स नहीं है नेक्स्ट इज आप टर्म देखेंगे डेज ऑफ ग्रेस डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है कि सपोज़ कीजिए मुझे किसी पर्सन की पेमेंट करनी है तीन महीने बाद तो तीन महीने का जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा ना सपोज ट्वेंटियथ मे थी ओके okay, तो ट्वेंटिय अगस्त को मुझे पे करना ही करना है ये डेट वैलिड है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डेज़ नहीं मिलेंगे बट अगर हम बिल ऑफ़ एक्सचेंज में देखें तो इसका एक ये स्पेशल फीचर है कि डेज़ ऑफ़ ग्रेस एड होते ही हैं इट कुड बी टू डेज थ्री डेज वट एवर भी तो सपोज़ बिल ऑफ़ एक्सचेंज के हमने बीस तारीख को दिया है तीन महीने बाद पेमेंट करनी है तो वो सिर्फ बीस नहीं होगा वो ट्वेंटी थ्री ऑगस्ट माना जाएगा थ्री डेज आर एक्स्ट्रा डेज आर नोन एज डेज़ ऑफ़ ग्रेस तो ये यहां पर ये मतलब पर बोला गया है डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ चेक बट डेज एनशियल फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आपको ये एक आएगा देन वी अ बिल ऑफ एक्सचेंज चेक को हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं क्योंकि ये एक पार्टी द्वारा दूसरे को दिया जाता है प्रेजेंट करना पड़ता है एंड सर्टेन थिंग्स आर देयर बट डियर स्टूडेंट बिल ऑफ़ एक्सचेंज इज नॉट ऑलवेज अ चेक सारे फीचर्स देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज के चेक में मिल जाएंगे बट चेक के सारे फीचर बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे चेक को तो हम बैंक में प्रेजेंट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हमें प्रेजेंटमेंट की नीड है बिल्कुल भी नीड नहीं है तो यहाँ पर इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं हो सकता बट येस चेक बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है नेक्स्ट डिफरेंस इज नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेक अगेन आई एम सेइंग चेक में कोई एक्सेप्टेंस की नीड नहीं होती है लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में देखें तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस करनी बहुत जरूरी है अदर पार्टी को अपनी एसेंट देनी है ये दिखाना है कि हाँ मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लाइबिलिटी है उसको ओ करता हूँ ऑल राइट देन डिफरेंस इज द क्वेश्चन ऑफ नॉन लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई इन केस ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ द ड्रॉयर डज नॉट अराइज इन चेक चेक में क्या बोला गया है कि अगर एक पार्टी अपने जिसको चेक दिया गया है और वो बैंक में जाती है उसको प्रेजेंट करने तो सपोज़ कीजिए जब लाइक यहाँ पर क्या है ड्रॉयर है ड्रायर ने ड्रॉयर कौन होता है जो बना के दे रहा है चेक बी सपोज ए को दे रहा है तो ये ड्रॉयर है तो ड्रॉयर ने जो चेक बना के दिया है अगर ये प्रेजेंट नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैंक है वो भी लाइबिलिटी से बच रहा है बैंक का तो इसमें कोई रोल ही नहीं आया अगर भी पैसा नहीं देना चाह रहा तो बैंक को आप कैसे क्वेश्चन में ला सकते हो नॉट एट ऑल बट व्हेन द ड्रायर डज नॉट प्रेजेंट बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम यहाँ पर देखें बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर ड्रॉयर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं देता है ड्रॉयर कौन होते है जिसको पेमेंट लेनी है बिल ऑफ एक्सचेंज में ए जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा अगर ये नहीं बनाता है इट डिस्चार्ज इज द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ड्रॉई की तो लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं क्योंकि भैया आपको श्योरिटी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज चाहिए अगर आप नहीं दोगे तो बी क्यों देगा कल पेमेंट वो भी नहीं देगा आपको अपने बिहाफ पर बना के देनी है देन नेक्स्ट डिफरेंस इज चेक नीड नॉट बी स्टैम्प्ड चेक को स्टैम्प करना जरूरी नहीं है चेक में जो असेंशियल चीज़ें हैं पेमेंट अमाउंट लिखना नेम ऑफ द पर्सन और इट कुड बी ब्लैंक अकाउंट नंबर वैलिड होना चाहिए सिग्नेचर होने चाहिए ड्रॉयर के ये सब चीज़ें हैं अगर ये वैलिड है तो स्टैम्प होना ज़रूरी नहीं है बट अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को देखें इट इज़ ऑलवेज टू बी स्टैंप्ड उसमें स्टैंप लगी होनी ही होनी चाहिए देन नेक्स्ट इज स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस बाय द ड्रॉयर विल रेंडर द चेक नॉट पेएबल अगर ड्रॉयर इंस्ट्रक्शंस दे देता है सपोज़ बी ने चेक दे दिया ए को बट अगर बी अपने बैंक को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दे इंस्ट्रक्शन दे दे कि स्टॉप पेमेंट मेरे अकाउंट से किसी को पे नहीं करोगे तो बैंक पे नहीं करेगा चेक इज़ नॉट पेबल वो पेमेंट नहीं होगी बाद में इसकी रेपरकेशन क्या होती हैं वो हम बाद में देखते हैं बट बैंक अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है बट बिल ऑफ एक्सचेंज में हम देखें देर आर नो सच रेस्ट्रिक्शंस ड्रॉयर अगर कैंसिल कर देगा तो क्या है ड्रॉय को तो फिर भी पेमेंट देनी ही पड़ेगी नाउ वी सी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ द कलेक्टिंग बैंक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पेइंग बैंक दोनों जैसे मैंने एस बी आई और पीएनबी का एग्जाम्पल दिया था पीएनबी यहां पर कलेक्टिंग बैंक है जो अपने कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट करता है पेइंग बैंक जो अपने कस्टमर के बिहाग पर पेमेंट देगा एस जो मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ प्रोविजन्स आर स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन इनको स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शंस दी गई हैं बैंक्स को चेक में दोनों ही बैंक को ये नहीं है इनके साथ कुछ फ्रॉड हो जाएगा कल कुछ होता है तो इनको स्टेट द्वारा कुछ प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं बट अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज में देखें एज आई मैंशन देर आर नो सच स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू एनी ऑफ द पार्टी सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स दिस सेशन केम टू एन एंड एंड आई होप जैसे आपको प्रो नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस समझ में आया है ऐसे ही सेम बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में भी डिफरेंस समझ में आया होगा कोई इसमें बिग अमाउंट ऑफ रिविजन नहीं करनी है कोई बिग वर्ड्स याद नहीं करने हैं बिग टर्म्स नहीं है यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन टू वट एग्जैक्टली दिस टॉपिक इज अबाउट अगर आपको बिल ऑफ एक्सटेंज और चेक का कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप डिफरेंस खुद भी फ्रेम कर दोगे सो कीप रिवाइजिंग कीप लर्निंग यू कैन us your requirements on learn with nishman till then keep watching keep sharing